लोगों का वो किसने लिया था? दूसरी बात आप याद करना कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है माइक्रोप्लाज्मा के केस में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होता है और इन प्लेस ऑफ सेल वॉल थिनली लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन सेल माइक्रोप्लाज्मा। थिनली लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सेल वॉल की जगह। और एक बात ये भी याद रखेंगे कि ये हमारे कैसे होते हैं? फैकल्टेटिव। कैसे होते हैं? फैकल्टेटिव एनएरोब्स। वैसे तो नॉर्मली एनएरोबिक कंडीशन में जिंदा रहते हैं, लेकिन फैकल्टेटिव का मतलब सीधा है कि ये एरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएंगे। फैकल्टेटिव एनएरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर्मिंग ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल दे कैन शो द रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिसिलिन। तो अभी क्वेश्चन आता है कि पेनिसिलिन के अगेंस्ट क्या शो करते हैं? रेजिस्टेंस के। बट अगर जो एंटीबायोटिक है जेरामाइसिन क्लोरोक्विन का आपका टेट्रासाइक्लिन उसमें क्या है ये मारे जाते हैं। तो आप कुछ डिजीज की चर्चा करने जा रहे हैं जो फैलाए जाते हैं प्लांट में भी एनिमल में भी और आपका ह्यूमन बींग में एक डिजीज है, मैं उसकी चर्चा आपसे करूंगा। बात हो रही है माइक्रोप्लाज्मा की।